Hey guys, welcome back to the new video. और स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू PUBG मोबाइल बोनस चैलेंज की वीडियो को लेके। तो गाइज, क्या आप लोग हमारा पैराशूट नोटिस कर सकते हो? तो गाइज, फाइनली हम लोग यहाँ पे एस 3 स्टार कंप्लीट कर चुके हैं और इस बार ट्राई कर रहे हैं कॉन्करर जाने का। मतलब हर बार मैं पुश नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार मैं काफ़ी एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपना काफ़ी जल्दी जो है वो एस 3 स्टार हो चुका है, तो लेट्स सी अब कब तक कॉन्करर हो जाता है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कौन से टायर पे हो और क्या आप लोग भी पुश कर रहे हो, तो गाइज ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। तो गाइज, आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि है मोर्टल के ट्वीट को लेके। तो गाइज, कल एक इंस्टा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था उनका ट्वीट, जो कि 1 2 3 4 5 था। तो और अगर हम उनको ऐड करते तो गाइज डेट आती है 15। तो गाइज चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि 15 डेट को अपना जो गेम है वो रिलीज़ हो जाए, क्योंकि भाई 15 को थर्ड वीक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ दिन पहले लाइव स्ट्रीम के अंदर उन्होंने बोला था कि भाई उनका जो बूट कैंप है वहाँ पे कोई और डेट ही सर्कुलेट हो रही है, जो जैसे कि नॉर्मली 18 या 20 डेट सर्कुलेट हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि कुछ और डेट है। तो गाइज हो सकता है कि 15 को अपना गेम कन्फर्म आ जाए। तो गाइज कुछ ही दिन बचे हैं, लाइक हार्डली 10 दिन बचे हुए हैं। तो गाइज कितने इंटरेस्टेड और कितने मतलब एक्साइटेड हो आप लोग गेम के लिए, तो गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज इस न्यूज़ के लिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाने चाहिए चैनल, यार मज़ा आ जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग उतरे हुए थे मिल्टा के अंदर, तो भाई आज की वीडियो में भी हम लोग खतरनाक डीसिंग से मरते हैं। मतलब ये वाले मैच में नहीं, मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीसिंग, मतलब इतना ज्यादा कि आप कवर में आ चुके हो उसके बाद भी पड़ती है आपको बहुत दूर से। तो यहाँ पे सीन क्या होता है कि अभी फिलहाल तो मैं मिल्टा के अंदर आया होता हूँ और यहाँ पे देखो कोई भी बंदा नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी लूट जो है फिनिश करता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी ढूंढने के लिए मैं आगे जा ही रहा होता हूँ और तभी देखो अपने को क्या स्पॉट होता है। तो भाई जैसे ही मैं बग्गी को देखता हूँ भाई, मैं सीधा भाग लेता हूँ वापस कवर के अंदर, क्योंकि भाई ये बंदा पता नहीं कब यहाँ पे आया और गलत सीन कर देता है अपने साथ। लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी देर वेट करता हूँ, ये बंदा तो निकलता नहीं है, लेकिन तभी आती है एक और बग्गी और उसके साथ देखो क्या सीन करते हैं। भाई देख रहे हो, मतलब मैं पूरा कवर में आ चुका हूँ, उसके बाद गोली आती है और सीधा मुझे लग जाती है। भाई डीसिंग का आजकल कुछ ज़्यादा ही इशू आ रहा है। तो भाई सिर्फ 10 दिन की बात है, उसके बाद तो एकदम डीसिंग वाला सीन खत्म हो जाएगा। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रैंक पुश के गेम प्लेस डालूँ कॉन्करर लॉबी के, तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो भी हम लोग डालेंगे और ट्राई करते हैं यार कुछ नया भी। तो यहाँ पे सीन क्या होता है कि ये इंडो का प्लेयर होता है, तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा पिक देता नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे साइड में आके मतलब खिड़की के पास आके लेट जाता हूँ और भाई इसको सपोर्ट करने की ट्राई करता हूँ, कंटिन्यूसली मुझे मारता रहता है। तो अभी सीन क्या होता है कि भाई ये स्मोक करके निकलने की ट्राई करता है, क्योंकि पीछे गाड़ी होती है, उस गाड़ी को लेकर निकलने की ट्राई करता है और इसकी किस्मत देखा कितनी ज़्यादा बुरी थी और देखो कैसे इसको हम पेलेंगे। तो भाई स्मोक करके तो एकदम निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे अपना एक हेड कनेक्ट होता है और ख़तरनाक एक गोली लगता है, सीधा लॉबी को प्यारा हो जाता है ये बंदा, क्योंकि भाई यहाँ पे जोन का भी डैमेज काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था, तो एक गोली लगती है और सीधा हम लोग को ये किल मिल जाता। तो अभी सीन क्या होता है कि यहाँ पर अपने पास भी गाड़ी नहीं होती और भाई मैं अब ज़्यादा देर इस बग्गी वाले का वेट नहीं कर सकता था, तो मैं नीचे की साइड से रिच से जाता हूँ और सीधा हम लोग उठाते हैं गाड़ी और निकल पड़ते हैं अपने जोन के अंदर। और भाई यहाँ पर देखना एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला ड्राइवर आपको देखने को मिलने वाला है, मतलब से भी नेक्स्ट लेवल। तो भाई जोन कटते ही हम लोग आ जाते हैं मिड के अंदर और भाई ये वाला कंपाउंड ऑलमोस्ट मिड के अंदर होता है, लेकिन ये कंपाउंड भाई पूरा लूटेड रहता है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से इधर उधर देख लेता हूँ कोई बंदा कोई कैंप ना कर रहा हो, क्योंकि भाई कैंपर्स बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह अपने को पेलते हैं हमेशा। तो यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं होता है, तो अभी सीन क्या होता है कि यहाँ से भी जोन जो है वो कट रहा होता है और तभी मैं मेरे आगे से एक US गुजरती है और मैं उसको मतलब शॉट लेने की ट्राई कर ही रहा होता हूँ, और तभी देखना एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल ड्राइवर आता है और उसकी कैसे पेटी बनाएंगे देखो ज़रा आप।
मतलब मुझे एक सेकंड के लिए तो समझ ही नहीं आया ये चल क्या रहा है भाई। ये बंदे ने पूरे घरों के ऊपर से गाड़ी उड़ा दी और भाई सीधा ये जाके यहाँ पे लैंड कर जाता है, और यहाँ से कोई गाड़ी निकालने की जगह थी नहीं तो इसको उतरना पड़ता है और हम लोग ईजिली यहाँ पे इसको मार देते हैं। तो अभी सिंह सामने वाले घरों के अंदर बंदे होते हैं तो मुझे भाई बिल्कुल भी सपोर्ट होते नहीं हो बंदे, तो मैं क्या करता हूँ उनकी बग्गी के टायर वायर फाड़ देता हूँ। लेकिन जोन यहाँ से भी आगे निकल चुका है तो हम लोग क्या करते हैं सीधा चलते हैं जोन के अंदर, और पहले मैं सोचता हूँ भाई ये वाले कंपाउंड लूंगा यशनाया के अंदर, लेकिन भाई यहाँ पे देखो ऑलरेडी कितने बंदे रहते हैं। तो भाई वहाँ तो अपने को जगह मिलती नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं सीधा आ जाते हैं आगे इस कंपाउंड। भाई उससे पहले ये देखो बग्गी वाले को, भाई मैं यहाँ से इस बग्गी वाले को पीटने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये सीन देखो आप भाई मेरे नीचे से निकल गया यार, मेरी गाड़ी उड़ा दी इसने ऊपर से और भाई नीचे से निकल जाता है मेरे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं भाई छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई उस साइड काफ़ी बंदे थे तो ओपन में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, कोई मार देता अपने को। तो यहाँ पे भी बग्गी खड़ी रहती है तो यहाँ पे भी नहीं रुक सकते। तो मैं सामने इस घर के अंदर आता हूँ और तभी देखो थोड़ी देर होल्ड करते ही यहाँ पे एक गाड़ी आती है और उसको कितना डैमेज दूंगा, लेकिन किल देखना कोई और ही उठा लेगा। तो ये वाली गाड़ी तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि एक स्प्रे में ही भाई पूरी की पूरी गाड़ी ही फट जाती है। तो अभी ये वाली गाड़ी आप लोग लेना अवॉइड ही किया करो बोनस चैलेंज खास कर सोलो के अंदर, और एंड जोन में तो बिल्कुल भी नहीं भाई, देख रहे हो एक स्प्रे में कितनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो अभी सीन क्या होता है भाई यहाँ पे जोन आगे कट चुका है तो मैं क्या करता हूँ अपनी गाड़ी लेता हूँ और सीधा जोन में कोई अच्छा स्पॉट ढूंढने की ट्राई करता हूँ, लेकिन अपने को कोई भी अच्छा स्पॉट यहाँ पे मिलता नहीं है। तो मैं गाड़ी राउंड एंड राउंड घुमा रहा होता हूँ और तभी देखना कितने सारे गलत सीन होने वाले हैं अपने साथ। तो भाई यहाँ पे सीन क्या होता है कि सब लोग जो है वो एक एक स्पॉट पकड़ के बैठे रहते हैं, और खासकर ये BRDM वाले भाई गलत ही कैंपिंग बिछाए रखते हैं ये लोग। तो यहाँ पे सीन क्या होता है कि मैं जोन के बंद होने का वेट करता हूँ, लेकिन जोन जो है वो इतना ज़्यादा ओपन में बंद हो जाता है कि मेरे को कोई जगह ही नहीं मिलती अपनी गाड़ी ठोकने के लिए, क्योंकि भाई पीछे की साइड भी बंदे थे आगे की साइड भी बंदे थे। और मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि ये सामने की तरफ जाता हूँ, लेकिन तभी देखना कितनी गंदी फायरिंग होती है मेरी गाड़ी के ऊपर, और भाई यहाँ पे मेरे पास 2 सीटर होती तो मैं मेरी गाड़ी यहाँ पे फटी चुकी होती है। तो अभी सीन क्या होता है कि अभी देखो मैं यहाँ पे आके रुकता हूँ और तभी देखना क्या सीन होंगे। तो भाई गाड़ी से धुआं निकल जाता है तो मैं फटाफट से गाड़ी से उतरता हूँ, लेकिन गाड़ी से उतरते ही भाई ये पीछे से आ जाता है और मेरे को पहले ही डैमेज दे देता है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा पैनिक करता हूँ और मैं जैसे यहाँ पे कवर पे लेटता हूँ भाई पता चलता है ये मेरे ऊपर है और ईजिली ये हमको मार देता है यहाँ पे। तो भाई गलत सीन हो जाते हैं, लेकिन BRDM का फ़ायदा देखो आराम से बैठ जाता है ये बंदा BRDM में जाके, जैसे कोई बंदा फायर करता है और भाई निकल के आराम से बंदों को पेल देता है। तो गाइज अगर आपको भी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलता हूँ मैं आपको एक न्यू वीडियो के अंदर, इससे पहले आप लोग एक डीसिंक वाला सीन देख के ज़रूर जाओ।